हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा, जहां रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, माता सीता, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक सम्राट जैसे कई हस्तियों का जन्म स्थान रहा। इसके साथ ही बिहार में ही जैन और बौद्ध धर्मों का विकास हुआ। और ऐसा नहीं है कि अभी बिहार में मेहनती लोग नहीं है और बड़े बड़े पदों पर नहीं पहुंच रहे हैं। अभी भी यहाँ के लोग मेहनत करके उतना ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार की आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है और इन्हीं सब कारणों से बिहार का स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ऐसे बातें बताने जा रहा हूँ 10 पॉइंट के जरिए, जिस पे अगर बिहार के लोग और बिहार सरकार अमल करे तो बिहार एक समृद्ध विकसित राज्य अपने इतिहास के जैसा फिर से बन सकता है। नंबर 1 है जमीन विवाद। बिहार में जमीन विवाद एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसके कारण आए दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और इन्हीं सब न्यूज को देख करके कोई भी बिजनेसमैन बिहार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो जमीन विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। इसके साथ ही क्राइम पे कंट्रोल तो है अभी, लेकिन छोटे छोटे क्राइम अभी भी देखने को मिल जाते हैं, जो बिहार के पुराने वाले क्राइम नैरेटिव को आगे बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है एजुकेशन। बिहार में एजुकेशन को मॉडर्न इजी बनाना होगा। बिहार में ऐसे एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सके, खास करके इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में। और मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जैसे सभी पढ़ाई सरकार को लोकल या डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल करानी होगी और इसे अफोर्डेबल भी बनाना होगा, जिससे पैसों की दिक्कत ना आए और अच्छी एजुकेशन अपने राज्य में ही मिल सके। अगर ये बच्चे अपने ही राज्य में पढ़ेंगे तो कोई हरासमेंट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और यहाँ का व्यापार भी सुधरेगा। तीसरा पॉइंट है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में अभी भी हॉस्पिटल की बहुत ही खराब स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर की कमी और डॉक्टर के परफॉर्मेंस के नज़रिए से, जिसे बिहार में जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को आसानी से इलाज मिल सके और मरीजों का जान बचाया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट को बिहार के हर जिले में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोलनी होगी। अगर कहीं जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रखंड में भी खोलना होगा, जिसपे बिहार गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और बिहार की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ एम्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ बड़े क्रिटिकल बीमारियों का आसानी से इलाज हो सके, जिसके लिए केंद्र सरकार पटना के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनाने वाली है, जो उत्तर पूर्व बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों को मेडिकल सुविधा प्रदान करेगी। लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक ये एम्स नहीं बन पाया है। चौथा पॉइंट है आईटी सेक्टर। आज के समय में आईटी सेक्टर कई लोगों को जॉब दे रही है और ये सेक्टर काफ़ी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए कई राज्य अपने शहर को आईटी हब बनाने में लगी है, जैसे गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ, पुणे। लेकिन बिहार में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होने के कारण यहाँ के लोग दूसरे राज्यों के आईटी पार्क में काम करते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी को समझते हुए बिहार सरकार भी पटना के अलावा दरभंगा और भागलपुर में आईटी पार्क का निर्माण करवाई है, जिसका उद्घाटन बहुत जल्द होने ही वाला है। अगर बिहार में आईटी कंपनियां इन्वेस्ट करने लगेगी तो यहां का पलायन भी रुकेगा और यहां पर आईटी सेक्टर से रिलेटेड लोगों को आसानी से काम भी मिल जाएगा। 5वां पॉइंट है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है, टेक्निकल से लेकर नॉन टेक्निकल लोगों तक के लिए, जिसे देखते हुए जिस राज्य में फिल्म बन रहा है वो भी और जिस राज्य में फिल्म नहीं बन रहा है वो भी अपने राज्य में फिल्म सिटी बना रहा है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ फिल्में तो बनती है लेकिन शूटिंग दूसरे राज्य यूपी में होता है। इसका मुख्य कारण है सब्सिडी। बिहार गवर्नमेंट को यूपी गवर्नमेंट की तरह फिल्म मेकिंग को इजी बनाना होगा। सेफ इन्वायरमेंट के साथ साथ सब्सिडी देनी चाहिए और बिहार के और भी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी के अलावा मैथिली, मगही को प्रमोट करना होगा, जिससे यहाँ का छवि सुधरे, क्योंकि लोग भोजपुरी मूवी को आज के समय में बी ग्रेड मानने लगे हैं। वही मैथिली लैंग्वेज से नेशनल अवार्ड पाने वाली फिल्म बन रही है, जो बिहार की सॉफ्ट पावर बनेगी। बाकी के बचे 5 पॉइंट में अपने अगले वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।